What's up everyone, welcome back to the channel. और आज हम डिस्कस करने वाले हैं after 12th BCom, BBA या इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है आज के डेज में. 5-year प्रोग्राम जिसके अंदर हम लोग BBA प्लस MBA कवर अप करके चलते हैं. तो क्या करियर ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं BBA BCom के ऊपर. और आफ्टर 12th BBA या BCom क्या बेटर है और कौन कौन से टॉप कॉलेजेस हैं, कितनी प्लेसमेंट्स हैं, कितना कितना फीस का खर्चा आ जाता है, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में. तो विदाउट वेस्टिंग एनी मिनट आ जाइए, जल्दी से शुरू करते हैं. और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो. लेट्स बिगिन. तो शुरू करते हैं गाइस हम लोग जल्दी से ग्रेजुएशन आफ्टर 12th कॉमर्स स्ट्रीम. इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सिर्फ कॉमर्स स्ट्रीम के बच्चों से बात करने वाला हूं, ह्यूमैनिटीज और साइंस वालों के लिए सेपरेट वीडियोस बनाऊंगा. बट फिलहाल जो हमारे कॉमर्स के बच्चे हैं उनके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, एक कॉपी ले आओ जल्दी से क्योंकि लिखना जरूरी है. अगर आपने CA के ऊपर, लॉ के ऊपर वो वीडियोस नहीं देखे तो देख लो, ऑलरेडी बना चुका हूं मैं, डिटेल्ड वीडियोस बना चुका हूं. तो देखो यार, आफ्टर 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स के पास यूजुअली दो ऑप्शंस होते हैं, अब तीन हो गए हैं बट पहले दो ही होते थे. क्या क्या ऑप्शंस रहता था, या तो BBA BMS. देखो अलग अलग यूनिवर्सिटीज इसको BMS और BBA के नाम से भी बोलती है बट यूजुअली सेम ही है, BBA BMS. उसके बाद BCom, ये दोनों 3-year प्रोग्राम्स हैं. और अब हमारे पास जो तीसरा सबसे पॉपुलर चल रहा है वो है इंटीग्रेटेड 5-year प्रोग्राम. इंटीग्रेटेड 5-year प्रोग्राम में आप एक ही बार एडमिशन लेके अपना अंडर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कंप्लीट कर लेते हो, दैट इज द BBA एज वेल एज योर MBA. अब देखो यार, सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है बच्चों के माइंड में कि हम लोग BBA करें या BCom करें. ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि आपको BBA करना है या BCom करना है. तो देखो यार, सबसे आसान चीज़ है आपका इंटरेस्ट देखना है आपने, प्लस आप कहाँ जाना चाहते हो, आपका क्या करने का मन है. देखो हर चीज़ के अपने पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स होते हैं, तो आओ वन बाय वन चीज़ें डिस्कस करते हैं. सबसे पहले BCom की बात करता हूँ. देखो BCom के जो सब्जेक्ट्स हैं ये है क्या, बैचलर ऑफ कॉमर्स. कॉमर्स का एक जनरल लेवल का अंडर ग्रेजुएशन कोर्स है जो काफ़ी समय से चलता आ रहा है, काफ़ी समय से. मतलब कि अगर और कुछ समझ में नहीं आ रहा एक कॉमर्स के बच्चे को तो वो BCom कर लेता है. तो BCom है क्या, थोड़ा सा थ्योरेटिकल बेस्ड है, किसी पर्टिकुलर एक सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, बहुत सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं इसके अंदर. इसके अंदर आप लोग अगर देखते हो तो BCom में आप अकाउंट्स भी पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स भी पढ़ोगे, बिजनेस भी पढ़ोगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी पढ़ोगे, टैक्स भी पढ़ोगे, ऑडिट भी पढ़ोगे. मतलब देर आर अ लॉट ऑफ सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाया जाएगा, एक नॉर्मल थोड़ा 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 हर सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा. तो कॉमर्स की आपको एक बेसिक नॉलेज प्रोवाइड करी जाएगी. उसके बाद एक कन्वेंशनल कोर्स है, काफ़ी समय से चलता आ रहा है, सबसे पुराना कोर्स है. उसके बाद कॉमन है काफ़ी ज़्यादा, मतलब जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं पहले ही बोल चुका हूँ मैं यहाँ पे कि वो BCom करता है. देखो अगर समझ नहीं आ रहा से मेरा मतलब है कि और ऑप्शन भी क्या रहता है. एक आम आदमी, एक आम बच्चा जिसके पास नॉलेज थोड़ी सी कहीं ना कहीं बैकएंड पे है, नॉलेज थोड़ी सी कहीं कम है, उसको आस पड़ोस वाले भी यही बताते हैं क्योंकि उन्होंने भी भाई वही करा होता है. तो वो भी क्या बोलते हैं, बेटा 12वीं कर ली ना कॉमर्स से, अब BCom कर लो. जबकि ऐसा नहीं है, अब बहुत वाइडर ऑप्शन आपके पास आ चुके हैं. इसके बाद बहुत सारे सब्जेक्ट्स मैं बता चुका हूँ आपने पढ़ने हैं. हाँ, अगर आप कॉम्पिटिटिव दे रहे हो, जैसे आप CA कर रहे हो, CMA कर रहे हो, CS कर रहे हो, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ और आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसके साथ BCom बहुत अच्छा होता है. क्यों अच्छा होता है, क्योंकि इसके अंदर एज कम्पेयर टू BBA थोड़ा सा आपके ऊपर एक प्रेशर कम होता है. इसके अंदर सब्जेक्ट का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, इसके अंदर थोड़ा कम होता है जब आप साथ में कॉम्पिटिटिव कर रहे हो. तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हो साथ साथ तो फिर आपको BCom ही करना चाहिए. तो BCom इट इज़ सुटेबल विद कॉम्पिटिटिव, ठीक है. अब BCom के बाद हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, BCom के बाद आप MCom कर सकते हो, BCom के बाद आप MBA कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो. यूजुअली BCom MCom बोला जाता है बट MBA भी कर सकते हो, ये चीज़ अपने माइंड में रखना. इसके बाद करोगे तो वही अलग अलग टाइम पीरियड में होगी. अब चलते हैं हम लोग BBA की तरफ. BBA क्या है जी, देखो ये भी वही 3-year अंडर ग्रेजुएट बस प्रोफेशनल कोर्स माना जाता है. अगर कंपेयर करें तो BBA को प्रोफेशनल कोर्स बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर स्पेशलाइजेशन थोड़ा ज़्यादा है. मतलब ये जनरल क्राइटेरिया में होता है और इसमें स्पेशलाइजेशन फॉर सब्जेक्ट्स होता है. BBA बहुत सारे अलग 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 सब्जेक्ट्स में होता है. आप मार्केटिंग पढ़ते हो, आप फाइनेंस पढ़ते हो, आप अकाउंट्स पढ़ते हो, मतलब काफ़ी अलग अलग सब्जेक्ट्स में होता है.
डिमांडिंग है आज के टाइम पे, बीकॉम से ज्यादा डिमांड बीबीए की है। इसके अलावा स्पेशलाइजेशन इसमें ज्यादा देखने को मिलती है, ज्यादा मैनेजमेंट बेस्ड ये डिग्री है, मैनेजमेंट आपको ज्यादा सिखाया जाता है। नाम ही यह है बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो बिजनेस को कैसे मैनेज करना है, क्या चलाना है, क्या क्या चीजें हैं, वो सब हम यहाँ पे पढ़ते हैं। प्रैक्टिकल अप्रोच इसमें ज्यादा है, इसके अंदर थियोरिटिकल अप्रोच थी, इसके अंदर प्रैक्टिकल अप्रोच है। और बीबीए के बाद बच्चे क्या करते हैं, बीबीए के बाद आपके पास ऑप्शन रहता है एमबीए का। तो ये एक कॉमन डिफरेंस हो गया। दोनों में ही जो कॉलेज एडमिशन्स होते हैं वो कुछ एंट्रेंस बेस्ड होते हैं, यानी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, और कुछ मेरिट बेस्ड होते हैं, आपके ट्वेल्थ में कितने परसेंटेज आए। अब इस साल कोविड है तो ट्वेल्थ का परसेंटेज का तो कुछ सिनेरियो ही नहीं पता अभी तक, तो एडमिशंस क्या होगा क्या नहीं होने वाला वो धीरे धीरे पता चलेगा। इसीलिए आपको मैंने सिर्फ कॉलेजेस बता रहा हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि अगर मैं आपको इनका क्राइटेरिया बताऊंगा तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ। तो क्राइटेरिया के लिए आप कॉलेज की वेबसाइट विजिट करके वहां से पता कर पाओगे। अभी एज सच कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल अपनी लिस्ट में कॉलेजेस ले आओ कि हाँ ये कॉलेजेस हैं, इनका मुझे फॉर्म भर देना चाहिए। तो इस तरीके से फिर जो एडमिशन क्राइटेरिया होगा वो आपको धीरे धीरे कॉलेज की वेबसाइट से पता चल जाएगा। इसके बाद क्या आता है, हमारे पास इंटीग्रेटेड कोर्सेज रहते हैं। इंटीग्रेटेड कोर्सेज में कौन कौन से होते हैं, हमारे पास बीबीए प्लस एमबीए यही हमारे पास हो रहा है। अगर इंटीग्रेटेड करना है तो भाई सीधा सीधा सा हिसाब है, आई एम इंदौर, आई एम रोहतक, बस। इसके अलावा और कहीं से नहीं करना। अदर देन दिस है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं मुंबई में, मुंबई यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करा रही हैं, और भी कुछ ग्रुप्स हैं जो कुछ बिजनेस स्कूल्स हैं जो आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं, बट वो इतने अच्छे नहीं हैं। तो इसके लिए सीधा IIM IPM का एग्जाम होता है, IP मैट, वो क्लियर करके फिर आपको ये सीट मिल जाती है, बट इतना ईजी नहीं है, काफ़ी हार्ड वर्क लगता है इसके अंदर। अब चलते हैं आगे। अब क्या होता है जी, बेस्ट कॉलेजेस फॉर बीकॉम। अब देखो बीकॉम में अगर मैं बात करता हूँ तो बीकॉम एक, अगर आपको अच्छे कॉलेजेस टॉप कॉलेजेस देखने हैं तो टॉप कॉलेजेस के लिए देखो यार DU दिल्ली यूनिवर्सिटी इज बेस्ट। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी दो तरीके के कोर्सेज ऑफर करती है बीकॉम में, एक होता है बीकॉम प्रोग्राम, एक होता है बीकॉम ऑनर्स। अगर मैं बात करूं बीकॉम ऑनर्स की तो बीकॉम ऑनर्स में सिर्फ और सिर्फ मैथ्स स्टूडेंट्स को अलाउ करता है दिल्ली यूनिवर्सिटी, यानी यहाँ पे आपके पास मैथ्स होना कंपलसरी है, मैथ्स इज कंपलसरी। अगर आपके पास ट्वेल्थ में मैथ्स नहीं है तो फिर आप बीकॉम ऑनर्स DU से नहीं कर पाओगे, आपको अदर यूनिवर्सिटीज़ में देखना पड़ेगा। बीकॉम प्रोग्राम बहुत सारे DU के कॉलेजेस हैं जो नॉन मैथ्स को भी एडमिशन देते हैं, डायरेक्ट एडमिशन होता है इवन अगर आपके पास मैथ्स नहीं है तो भी। मतलब बीकॉम ऑनर्स के लिए मैथ्स कंपलसरी है, प्रोग्राम एक सिंपल बीकॉम है, ऑनर्स में स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो यहाँ पे आपको मैथ्स चाहिए, ठीक है जी। अब मैं वो नॉन मैथ्स वाले कॉलेजेस भी बच्चों को बताऊंगा अलग से बीकॉम बीबीए के लिए, बट एक जनरल कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं अगर हम बीकॉम की बात करते हैं, तो सबसे पहले आता है श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली, SRCC दिल्ली नंबर 1 सबसे ऊपर रहता है। आप हमेशा देखते हो मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है, बीकॉम ऑनर्स ऑफर करता है, तो यहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है। तो श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इज द नंबर 1 कॉलेज फॉर बीकॉम इन इंडिया। इसके बाद लेडी श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स है, ये भी दिल्ली में है। देन वी हैव हंसराज कॉलेज, इनको नोट डाउन करके चलना, पहले श्रीराम कॉलेज हो गया फिर लेडी श्रीराम हो गया। अब ये जो इनकी मेरिट है ये ऊपर नीचे होती रहती है, रैंक्स ऊपर नीचे होती रहती हैं, तो ये टॉप 10 टॉप 12 कॉलेजेस मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आपको इनमें से जो कॉलेज अच्छा मिलता है उसके लिए आप जा सकते हो। फॉर्म्स भर के चलना 5-6-7 कम से कम कॉलेजेस के, तो ही कम से कम कई सारे कॉलेजेस के फॉर्म्स भर के चलना, और उसमें से फिर जो भी एडमिशन होगा हो जाएगा, किसी भी एक के चक्कर में मत पड़ना, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। तो फॉर्म्स फिल करके चलना, हंसराज कॉलेज देख सकते हो। इसके बाद आप हंसराज कॉलेज दिल्ली, हिंदू कॉलेज आता है जी इसके बाद जो हम लोग को बीकॉम ऑफर कर रहा है, लॉयला कॉलेज चेन्नई, थोड़ा सा दिल्ली से डिफरेंट है। क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बहुत बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी, बस थोड़ा सा फीस के मामले में ये अपर हैंड पे रहता है। DU के जितने भी कॉलेज हैं इन सब की जो फीस है वो बहुत कम रहती है, मतलब आप ये कह सकते हो कि विद इन 1 लाख आपका बीकॉम पूरा हो जाएगा, मतलब 1 लाख रुपए के अंदर अंदर। बट क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ तो उसका फीस थोड़ा सा अपर एंड पे रहता है, 3-5 लाख रुपए भी लग जाते हैं जब हम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं, और क्राइस्ट उसमें से एक है। उसके बाद रामजस कॉलेज में आ जाता हूँ दिल्ली, रामजस कॉलेज भी एक बहुत अच्छा कॉलेज है। फिर किरोड़ीमल कॉलेज हम लोग देखते हैं दिल्ली में, सेंट जोसेफ आ जाता है बैंगलोर में, बहुत बढ़िया कॉलेज वेन इट कम्स टू इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया। इसके बाद नरसिम्हमुंजी मुंबई, नरसिम्हमुंजी भी अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इसको भी आपको ज़रूर देखना चाहिए, वेबसाइट विजिट करना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करना, फैसिलिटीज़ चेक करना, सभी कॉलेजेस की बहुत बढ़िया। मतलब अगर आप एक एक कॉलेज को देखोगे तो आपको अपने आप भी एक डिटेल्ड रिव्यू करना पड़ेगा, तब आपको क्लैरिटी मिलेगी। मैंने आपको नाम बताए हैं, मैंने आपको प्लेसेस बताए, ये बेस्ट कॉलेजेस हैं। अब इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्ड डिस्कशन देखो, और डिटेल्ड अच्छे से जानो,
और अगर आपको मेरे से ही जानना होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, जिस भी पर्टिकुलर कॉलेज के सबसे ज्यादा कमेंट्स होंगे मैं उसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा, बिकॉज वही बात है ना गाइस, 15 से 20 मिनट उस पर डिटेल बनाने में लग जाते हैं, बट ये कॉलेजेस हैं इतना आप कर पाओगे। इसके बाद वेंकटेश्वरा कॉलेज हमारे पास दिल्ली में, बट ये नॉर्थ कैंपस में नहीं आता तो इतना पॉपुलर नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा कॉलेज है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बहुत ज़्यादा, अब इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, आज से 4-5 साल पहले इसकी इतनी वैल्यू नहीं थी बट अब इसकी वैल्यू बढ़ रही है। आत्माराम सनातन धर्म कॉलेज बढ़िया। इसके बाद क्या आता है हमारे पास, सिम्बायोसिस कॉलेज पूना। सिम्बायोसिस तो यूनिवर्सिटी, आप सिम्बायोसिस को जानते हो, बहुत पुराना, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है पूना में और बहुत पॉपुलर है सिम्बायोसिस। इसके बाद हमारे पास गर्ल्स के लिए स्पेसिफिकली दौलत राम और गार्गी कॉलेज है दिल्ली में, ये भी हमारे सबसे ज़्यादा पॉपुलर कॉलेजेस हैं व्हेन इट कम्स टू ओनली फॉर गर्ल्स। तो ये कुछ कॉलेजेस थे जो मैंने बीकॉम के लिए स्पेसिफिकली लिखे थे, इनके अंदर कई जगह मैथ्स है कई जगह मैथ्स नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आप विजिट करोगे वेबसाइट पे तो वहाँ पे आपको एडमिशन क्राइटेरिया मिल जाएगा, वहाँ पे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा। इसके बाद अगर मैं और आगे चलता हूँ थोड़ा सा, तो BBA BMS कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ तो पूरे इंडिया में सबसे पहले जो नंबर वन कॉलेज आता है BBA के लिए वो शहीद सुखदेव कॉलेज है, और इसी को कंपटीशन देने के लिए सबसे पहले आता है IIM इंदौर या IIM रोहतक। IIM इंदौर मैं स्पेसिफिकली बोलूँगा, तो ये जो दो हमारे हैं ये एक दो दो एक ऊपर नीचे चलता रहता है, बट क्या इनमें डिफरेंस है सबसे बड़ा, वो ये है कि जो शहीद सुखदेव कॉलेज है वहाँ पे मैथ्स कंपलसरी है और IIM इंदौर में एज सच कोई मैथ्स की नीड नहीं है, मतलब आप नॉन मैथ्स होके भी यहाँ पे एडमिशन के लिए जा सकते हो। तो ये बेसिक डिफरेंस आ जाता है और ये एक मेजर डिफरेंस है दोनों में ही, दोनों ही कॉलेजेस हमारे ऑफर करते हैं हमें BBA BMS, नाम अलग अलग है बात वही है, ठीक है जी। इसके बाद IIM रोहतक 3 नंबर पे, ये भी हमारा नॉन मैथ्स है। इसके बाद क्या आ रहा है जी हमारे पास, सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई, इसमें भी नॉन मैथ्स ईजिली एडमिशन हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर आपको नहीं होने वाली। इसके बाद क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, फिर से क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बीकॉम भी BBA भी दोनों ऑफर करता है, नॉन मैथ्स एडमिशन हो जाएगा। इनका भी क्राइस्ट का अपना एंट्रेंस क्राइटेरिया है, इंटरव्यू होता है, उसके बाद ही आपको एडमिशन प्रोसीजर देते हैं। नारसिमोनजी, फिर से नारसिमोनजी में बस ये ध्यान रखना कि यहाँ पे भी ये लोग मैथ्स मांगते हैं और एडमिशन के लिए यहाँ पे, मतलब अगर आप देखो BBA के जितने भी कॉलेजेस हैं उसमें एक यहाँ पे मैथ्स आपको देखने को मिलेगा और एक यहाँ पे मैथ्स देखने को मिलेगा, अदर देन दिस नॉन मैथ्स का एडमिशन आसानी से हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चों को डराया जाता है कि अगर आपके पास मैथ्स है तो ही आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका मैथ्स में इंटरेस्ट नहीं है यार तो कैसे मैथ्स ले लूँ मैं ट्वेल्थ में, अपनी परसेंटेज थोड़ी ना कम करनी है। तो नॉन मैथ्स में भी अच्छे एडमिशंस होते हैं, बढ़िया कॉलेजेस ऑफर्स हैं आपके पास। इसके बाद सिम्बायोसिस, फिर से वही सिम्बायोसिस पूना, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी या क्राइस्ट, मैंने दो बार लिख दिया गया क्राइस्ट, मैंने दो बार लिख दिया गाइस, ऊपर आ गया था मैंने फिर लिख दिया। उसके बाद भारतीय विद्यापीठ पूना दिल्ली, दोनों जगह है बट ज़्यादा पॉपुलर पूना का है, ये ध्यान रखेंगे। इसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया बहुत पुराना हमारे पास कॉलेज है और जामिया में बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके हैं तो ये भी आप लोग ऐसे नहीं छोड़ सकते, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आईपी यूनिवर्सिटी दिल्ली में बहुत फेमस है, जिन बच्चों के पास नॉन मैथ स्पेसिफिकली जो बच्चे हैं वो DU में जब नहीं जा पाते तो फिर वो IP के लिए जाते हैं, और IP में भी बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं, ये एक पर्टिकुलर कॉलेज नहीं है, इसके अंदर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं बढ़िया बढ़िया और नॉन मैथ्स, आप यहाँ से भी अपना अंडर ग्रेजुएशन कोर्स पूरा कर सकते हो और फीसेस भी बहुत कम है इसके अंदर। इसके बाद अगर मैं बात करूँगा इसकी 5 ईयर इंटीग्रेटेड में, तो IIM इंदौर, IIM रोहतक, एक जिंदल ग्रुप ऑफ बिजनेस स्कूल्स हैं, ये भी हमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ये प्रोवाइड करा रहे हैं 5 ईयर का, मुंबई में मैंने आपको बताया था और इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम होता है, MUHCET कुछ ऐसा एग्जाम होता है अगर आप देखोगे तो, मुंबई यूनिवर्सिटी का ये अपना एक एंट्रेंस एग्जाम है। बट इंटीग्रेटेड के लिए मैं आपको बस ये दो ही सजेस्ट करूंगा, बाकी तो आपको मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। तो आपके पास BBA BCOM के सभी कॉलेजेस मैंने अच्छे से आपको बता दिए, कवर कर दिए, उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों ने साथ साथ लिख लिए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना होगा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये सभी कॉलेजेस हैं जिन पे आप देख सकते हो, आपको फॉर्म्स भरने चाहिए, इनके लिए ट्राई करना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि अगर ये कॉलेजेस नहीं मिले तो हमारे पास अदर ऑप्शंस खत्म हो गए, हमारे पास और भी यूनिवर्सिटीज़ रहती हैं, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, इसके अलावा अदर भी कुछ प्राइवेट कॉलेजेस आ सकते हैं। बट अगर आपको इंडिया के टॉप कॉलेजेस में जाना है तो ये आपके ऑप्शंस हमेशा रहने चाहिए, मतलब आपको फर्स्ट प्रायोरिटी इन कॉलेजेस को देनी चाहिए, उसके बाद फिर आप अपनी आसपास की कोई यूनिवर्सिटी या कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए देख सकते हो।
क्या क्या इसके अंदर रीजंस हैं गाइस? देखो, सबसे पहली बात तो फीस बहुत कम रहती है, जो प्राइवेट है मैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं फीस काफ़ी कम रहती है। दूसरा, प्लेसमेंट्स हो जाती हैं डायरेक्टली, मतलब कि ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन के बाद आपकी सीधा प्लेसमेंट हो जाती है यहाँ से, तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है और प्लेसमेंट्स भी अच्छी हो जाती है। अगर हम बात करें IIMs की, अगर आप इनमें किसी तरीके से पहुँच जाते हो तो ये तो आपकी लैक्स में चली जाती है, बहुत बड़ी प्लेसमेंट चली जाती हैं, 10 से 20 लाख तक की प्लेसमेंट के बीच में जाता है सीधा सीधा 5 ईयर प्रोग्राम के बाद स्टार्टिंग से, तो बहुत बड़ी चीज़ होती है गाइज। इनिशियली इतना पैकेज आसान बात नहीं है, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है काफ़ी। तो ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं। इसके साथ ये जितने भी कॉलेजेस मैंने लिखे हैं ये सारे आप ध्यान से देखो, इन सब के ऊपर अच्छे से आपको डिटेल्ड सारी चीज़ें मैंने बता दी। और ये BBA, ये BCom, मैथ्स नॉन मैथ्स मैंने कवर कर दिया, BCom प्रोग्राम, BCom ऑनर्स बता दिया। इसके बाद हम लोगों ने ये सारी BCom और BBA में डिफरेंस चेक कर लिया। इंटीग्रेटेड कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। नाउ इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे जा रहे हो, डिसीजन आपका होना चाहिए, अपने फ्रेंड को या रिलेटिव के चक्कर में मत पड़ना, अपना इंटरेस्ट देखना। तो ये था गाइस BBA वर्सेस BCom, और इंटीग्रेटेड भी मैंने बताया क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हो और कौन से कॉलेजेस में आप जा सकते हो, हमने सब कुछ कवर करा। उम्मीद कर रहा हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। स्टिल कुछ और प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताना, और अगला कोर्स कौन सा आपको जानना है उसका भी कमेंट सेक्शन में बता देना, उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना देंगे। सबके साथ स्प्रेड करना, और बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स अ लॉट गाइज़।